हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल द परफेक्ट प्लेट। दोस्तों, आज मैं बनाने जा रही हूँ मेथी की मटरी। मेथी की मटरी आप कोई भी फेस्टिवल में, होली, दिवाली या कभी भी शाम के वक्त चाय के साथ आप उसको खा सकते हैं और उसको लंबे समय तक स्टोर भी कर सकते हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं मेथी की मटरी। सबसे पहले एक पैन में 1 टेबल स्पून घी लीजिए और उसमें 2 कप साफ की हुई मेथी को अच्छे से सौते कर लीजिए 2 से 3 मिनट तक, ताकि उसकी कड़वाहट निकल जाए। अब एक बॉल में 1.5 कप गेहूं का आटा और 1/2 कप सूजी ले लीजिए। अब उसमें 1 छोटी चम्मच जीरा और 1 टेबल स्पून अजवाइन डालेंगे। अब उसमें 1 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, 1 टेबल स्पून रेड चिली पाउडर, 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर, 1 टेबल स्पून तिल, 1/4 टीस्पून हींग और स्वाद अनुसार नमक डालकर अच्छे से मिला लें। उसमें सौते की हुई मेथी को डाल दीजिए और अच्छे से मिक्स कर लीजिए। मेथी मिक्स हो जाने के बाद उसमें मौन के लिए 2 बड़े चम्मच घी डाल दीजिए और मिक्स कर लीजिए। देखिए, घी अच्छे से एकदम से मिल गया है। ऐसे मुट्ठी बनाएंगे तो बिल्कुल टूटेगा नहीं। अब उसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी मिलाकर एक अच्छा सा सॉफ्ट सा डो बना लें। अब उसकी स्लरी बनाने के लिए 3 बड़े चम्मच घी और 1 बड़े चम्मच कॉर्नस्टार्च मिलाकर उसे अच्छे से फेंट लें। आप चाहें तो यहाँ पे कॉर्नस्टार्च की जगह कॉर्नफ्लावर या मैदा भी यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए, हमारी स्लरी एकदम बढ़िया सी तैयार हो गई है। अब आटे में से एक बड़ी सी लोई लेके उसको बेल लेंगे। बेलने के बाद हम उसके ऊपर चारों ओर स्लरी लगा लेंगे। उसको एक तरफ से 1/2 फोल्ड करके उसके ऊपर फिर से स्लरी लगा दीजिए। इसी तरह दूसरी साइड भी हम फोल्ड करके स्लरी लगा लेंगे। अब उसको नीचे से और फिर ऊपर से फोल्ड करके पलट दीजिए। पलटने के बाद थोड़ा सा आटा लेके फिर से उसको बेल लेंगे। ये प्रोसीजर हम इसलिए कर रहे हैं ताकि उसके डिफरेंट लेयर बन जाएंगे। अब हम फिर से उसके ऊपर स्लरी चारों ओर लगा देंगे। फिर सेम प्रोसीजर करते हुए फोल्ड करके स्लरी लगाते जाएंगे। अब एक आखिरी बार उसको फ्लिप करके हल्के हाथों से उसको बेल लेंगे। बेलने के बाद अब चाकू की हेल्प से आप उसके जैसे भी शेप चाहें उस शेप में आप उसको काट लीजिए।
ये देखिए आपको लेयर्स दिख रहे हैं ना, इस तरह से सारे लेयर्स बन जाएंगे। अब मछली को मीडियम टू लो फ्लेम गैस पे तेल गरम करके गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लीजिए। यहाँ पे हमें बिल्कुल ही हल्के हाथ से उसको फ्लिप करना है ताकि उसके लेयर्स टूटे नहीं। ये देखिए दिख रहे हैं ना एकदम बढ़िया से लेयर्स, बिल्कुल लेयर्स एकदम अलग अलग दिख रहे हैं। तो तैयार है हमारी मेथी की मठरी। आप उसको लंबे समय तक एयरटाइट कंटेनर में स्टोर भी कर सकते हैं। तो आपको कैसे लगी मेरी रेसिपी, आप उसको ज़रूर ट्राई करें और मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं। दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरी रेसिपी को और मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ सब्सक्राइब करना ना भूलें। See you next video. Till then, bye.